क्या आप इस पेड़ को पहचानते हो? चलिए आज इस पेड़ के दिव्य गुणों के बारे में हम चर्चा करते हैं। इस पेड़ का नाम है अर्जुन और इस पेड़ के पत्ते, इस पेड़ की जो छाल है, ये सारे के सारे यूज होते हैं। बहुत सारे गुण हैं इस पेड़ के, लेकिन तीन ही विषयों पे मैं आज बात करूँगा। पहला, जो इस पेड़ की पहचान जिसकी वजह से हुई है, वो है ब्लॉकेज को खोलने के लिए। जब हृदय की वाहनियाँ रुक जाती हैं तो वहाँ पर डॉक्टर भी हैं, एलोपैथी के डॉक्टर हैं, उनकी भी मैं बात करूंगा, तो भी इसी के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं कि कैसे हम इसके माध्यम से हार्ट की ब्लॉकेज को खोल सकते हैं। इस पेड़ के दिव्य गुणों में से मैं आज तीन गुणों की चर्चा करने वाला हूँ। पहला, हार्ट संबंधी बीमारियों के लिए ये जो पौधा है ये दिव्य है। दूसरा, कानों संबंधी जितनी भी बीमारियाँ हैं उनके लिए कैसे हम इसके पत्तों का रस प्रयोग करें। तीसरा, जो हमारे चेहरे पर मुहासे हो जाते हैं, छोटी छोटी सी फुंसियाँ निकल आती हैं, तो कैसे हम इसका प्रयोग वहाँ पर करें। तो देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले जो मुख्य गुण है जिसकी वजह से अर्जुन को इतनी पहचान मिली, इसका जो प्रयोग है वो हार्ट की ब्लॉकेज को खोलने के लिए, यानी कि शरीर में कहीं पर भी ब्लॉकेज हैं आपको, तो उनको खोलने के लिए ये इसकी जो छाल है वो प्रयोग होती है। आप देख पा रहे होंगे ये जो पौधा है इसका जो कलर है नीचे से वाइट कलर का होता है, और इसकी जो ऊपर से छाल आती है उस छाल का प्रयोग किया जाता है हार्ट की ब्लॉकेज को खोलने के लिए। तो कैसे करते हैं उसको हम एक बार थोड़ी सी विधि में बताऊंगा। इसके ऊपर की जो छाल आती है, छाल को सुखा लेते हैं और उस छाल को सुखा करके हम चूर्ण बनाते हैं। पहले उसको हमाम दस्ते में कूट लें, फिर उसको मिक्सी में कूट करके बारीक हम बना लेते हैं। फिर लगभग 3 से 4 ग्राम अर्जुन की छाल का जो चूर्ण होता है वो लगभग 250 ग्राम दूध में उसको डाल के उसको पका लें, और फिर आप उसको जब वो नॉर्मल हो जाए, गुनगुना हो जाए, तब आप उस दूध को पिए। ये दूध आप सुबह पिए या फिर आप शाम को भी पी सकते हैं, किसी भी टाइम पी सकते हैं। बस ध्यान रखें कि जब गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं तो इसकी मात्रा को थोड़ा सा कम कर दिया जाता है, और ठंड ज़्यादा हो तो उसकी मात्रा को बढ़ा लिया जाता है, और दोनों टाइम पर इसकी छाल का जो ये दूध है, दूध में मिली हुई जो छाल है, उसका हमें पीने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। कोई भी हार्ट में कोई भी ब्लॉकेज है आपकी, इसके लिए मैं कुछ दिनों पहले एक डॉक्टर से मिला था। तो डॉक्टर यहाँ पर पीजी डिप्लोमा इन योगा में एडमिशन था उनका, तो एलोपैथिक के डॉक्टर हैं। तो उन्होंने बताया, उन्होंने उनके जो फादर इन लॉ थे, ससुर जो थे, तो उन्होंने डॉक्टर से मिले तो डॉक्टर ने कहा कि इनको हार्ट की समस्या है, तो आप इनका ऑपरेशन करवा लीजिए, स्टंट डलवा लीजिए। तो फिर वो घर पे ले आए, और थोड़ा सा वो आयुर्वेद में बिलीव करते थे, तो उन्होंने अर्जुन के पेड़ के बारे में सुना हुआ था, तो अर्जुन की छाल वो ले आए, तो उस छाल को धीरे धीरे उन्होंने पिलाना स्टार्ट कर दिया, और 1 से 1.5 महीने के बाद में दोबारा फिर से उन्होंने सारे की सारी ECG और जो रिपोर्ट होती है हार्ट की सभी करवाई, तो देखा कि जो ब्लॉकेज थी वो उनकी समाप्त हो गई थी। तो ये जो दिव्य पौधा जिसका हृदय के मामले में, हृदय की ब्लॉकेज को खोलने के लिए, मांसपेशियों को सबल बनाने के लिए एक ज़बरदस्त रिजल्ट ये देता है, यानी कि मैं कहूँ कि धरती के ऊपर अर्जुन से बढ़कर हृदय संबंधी बीमारियों को दूर करने के लिए और कोई पौधा नहीं है। तो एक दिव्य पौधा है, जो भी हार्ट पेशेंट हैं उनको इसका सेवन करना चाहिए, और जो हार्ट पेशेंट नहीं हैं वो भी अगर इसका सेवन करते हैं तो उनको जीवन भर वो हार्ट संबंधी समस्याओं से वो दूर रहेंगे। इसका जो प्रयोग है वो, क्योंकि हमारा गर्म प्रकृति का देश है तो सर्दियों के अनुकूल ज़्यादा होता है। जैसे ही सर्दियाँ आती हैं, नवंबर का महीना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3-4 महीने होते हैं। इन 3-4 महीनों के अंदर आप नित्य प्रतिदिन अगर इसका काढ़ा लेते हैं, दूध में मिला के इसको पीते हैं, तो आप हार्ट अटैक फ्री हो जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल आपका नहीं बढ़ेगा, जो ब्लड जो गाढ़ा हो गया है वो आपका पतला हो जाएगा, रक्त को शुद्ध करता है, और जब रक्त शुद्ध होता है तो ब्लॉकेज तो ठीक होती है, साथ में आपकी स्किन संबंधी बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो ठीक हो जाती हैं, स्किन की एलर्जी है कोई किसी प्रकार की वो दूर होती है। अब हम इसके दूसरे प्रयोग के ऊपर आते हैं। जब कान में आपके दर्द हो तो करना क्या होता है, ये जो है इसकी पत्तियों को लेना है, 3-4 पत्तियों का आपको रस निकाल लेना है, रस निकाल करके कान में 3-4 बूंद आपको डाल देनी है। सिर्फ इतना मात्र करने से कान के दर्द में आपको आराम मिलता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया हुआ है। आप भी जब भी कान में दर्द हो तो इस प्रकार से इसके रस निकाल कर कान के अंदर 3-4 बूंदें डाल लें।
अब तीसरा जो प्रयोग है वो ये है कि जब चेहरे पे फुंसियाँ हो जाती हैं, मुहासे जिसको हम बोलते हैं, तो कैसे इसका प्रयोग करें, उसमें भी ये दिव्य गुण रखता है। देखिए मैंने बताया गाढ़ा पियेंगे उससे शरीर अंदर से साफ आपके होगा, ब्लड साफ हो जाएगा। इसके अतिरिक्त इसको चेहरे पर भी आपको लगाना है, चेहरे पर लगाने से फुंसियाँ आपकी साफ हो जाएंगी और चेहरा आपका चमक उठेगा। तो उसमें क्या करना है, वही जो छाल मैंने बताई है अर्जुन की छाल लेकर के आधा चम्मच के करीब, फिर इसमें आधा चम्मच लगभग शहद आप ले लें, दोनों को मिला लें, मिला करके जहाँ जहाँ पर चेहरे पे आपके फुंसियाँ हैं थोड़ा सा जो पेस्ट है उसको आप लगाएंगे, तो देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके सारे जो फुंसियाँ हैं, जो मुहासे हैं, वो आपके ख़त्म हो जाएंगे और चेहरा जो है आपका चमक उठेगा। यहाँ पर मैंने तीन गुणों की बात की है, इसके अलावा भी इस पौधे में दिव्य गुण हैं जिनकी चर्चा मैं आने वाले समय में मैं करूँगा। हाँ, अभी ये जानकारी आपको कैसी लगी आप कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ, और अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, और कोई पर्सन हो इससे रिलेटेड तो आप अपना कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को डाल के पर्सन को पूछ सकते हैं। पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।